रूस के जिस ताकत से डरती है दुनिया, अब उसका तोड़ निकालेगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर लगे हथियारों के प्रतिबंध को अनिश्चित काल तक बढ़ाने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन रूस और चीन की वजह से यूएनएससी में ईरान को मिली ये जीत इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। दरअसल अब ईरान पर से हथियारों की बिक्री के प्रतिबंध हटने के बाद रूस के लिए ईरान को अपने हथियार बेचने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में ईरान 2020 के बाद अपने पुराने वादे के मुताबिक रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा कर सकता है, और यही बात इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। दरअसल ये बात सभी जानते हैं कि रूस का S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम जहाँ तैनात होता है वहाँ से किसी भी देश का लड़ाकू जहाज उड़ान भरना बंद कर देते हैं। और तुर्की ने भी ये साबित कर दिया है कि अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज F-35 भी रूस की मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बच नहीं सकता। लेकिन इससे पहले ईरान भविष्य में रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदे, उससे पहले ही इजराइल ने रूस की मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अपने F-35 लड़ाकू जहाज़ों को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इजराइल ने कहा है कि वे अमेरिका के साथ मिलकर F-35 लड़ाकू जहाज़ों का फिर से अध्ययन करके ऐसे बदलाव करेगा जो F-35 जहाज़ों को रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम से बचाने में सक्षम होंगे। इसी बात पर इजराइल ने दो टूक जवाब दिया है कि ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले भी इजराइल की सेना को नहीं रोक पाए, और ईरान आगे चल के भी रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करता है, तभी ईरान इजराइल की सेना लड़ाकू जहाज़ों को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इजराइल हमेशा दुश्मनों से दो कदम आगे की सोच के चलता है। वहीं अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि प्रतिबंधों के हटने के बाद ईरान रूस के T-90 टैंक और Sukhoi-30 लड़ाकू जहाज़ों का सौदा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान का ये कदम अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए मिडल एशिया में मुसीबत का कारण बन सकता है, लेकिन इजराइल ने ईरान को किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को और भी मजबूत करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, क्या भारत को भी रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए ताकि भारत को चुनौती देने वाले देश भारत को आँख न दिखाए? हमें कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताएं।